अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सियानी। बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ पर खड़ा है, फायज़ा की शादी होने जा रही है, इसके साथ साथ किरण का अंजाम भी हमें अब देखने को मिलने वाला है क्योंकि कामरान ने मारी एंट्री। वीडियो को मुकम्मल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। उजाला, जिसने सारा बचपन माँ बाप की मोहब्बत के बगैर गुजारा, मुमानी की डांट के साथ, मुमानी की सख्तियों के साथ, आज वहीं पर गुड़िया खड़ी है तो उजाला को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। जुहेब से बात करने लगी, अगर आप कहें तो मैडम शहवार से बात करूं आसिम और फैज़ापा की शादी के लिए। मैं जब गुड़िया को देखती हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, मैंने भी तो ऐसा ही बचपन गुजारा और ऐसी ज़िंदगी गुजारना बेहद मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि गुड़िया को बाप का साया मिल जाए और ज़ोया को भी तो माँ की मोहब्बत मिलेगी, ऐसे में फायज़ा आपा उन्हें भी एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। तो अगर आप कहें मैं मैडम शहवार से बात करके इस रिश्ते की बात करूं। जुहेब को उजाला की ये सोच बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, इसलिए वो फौरन हाँ कर देता है। ठीक है, तुम जाकर ज़रूर बात करना, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, फायज़ा आपा का घर बस जाए। उजाला मैडम शहवार के पास जाकर फायज़ापा के रिश्ते की बात करती है, मैडम तो खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि वो जानती है उजाला बहुत अच्छी है और जिस लड़की का रिश्ता वो बता रही है यकीनन वो भी उजाला जैसी होगी। उजाला आकर जुहेब को खुशखबरी सुनाती है, तभी जुहेब भागा भागा अपने बाप के पास आता है। अगर मैं कहूँ फायज़ापा को उनके सब्र का बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? ऐसे में बाप हैरान हो जाता है, क्या मतलब है आपका? तो उजाला बोल पड़ती है, मैडम शहवार ने फैज़ापा का रिश्ता मांगा है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं चाहती हूँ हम एक दफ़ा उनसे मिल लें। तो वजाहत साहब की तो खुशी की इंतहा नहीं, फौरन कमरे में आकर बीवी को बताने लगे। तब बीवी जायनमाज पर बैठी अपनी बेटी के नसीब खुलने की दुआएं मांग रही थी, तभी वजाहत साहब ये खुशखबरी सुनाते हैं। माँ तो बहुत खुश हो जाती है और कहने लगी ये सब कुछ तो उजाला की वजह से हुआ, देखिए उसके कदम हमारे घर के लिए कितने मुबारक साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो फायज़ा इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करना चाहती, वो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने माँ बाप की खुशी के आगे सर झुका देती है। रिश्ते वाले घर आ जाते हैं, पहले ही नज़र में फायज़ा को पसंद कर लेते हैं। तमाम घर वाले बहुत खुश हैं क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जुहेब की शादी हुई, इनको खुशी मिली और अब फायज़ा की शादी होने जा रही है, मतलब काफ़ी अरसे बाद इस फैमिली ने खुशियों का मुंह देखा, तो सभी बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ किरण, जिसे जरबाब ने सख्ती से मना किया कि वो मेहमानों के सामने नहीं आ सकती, वो तो अपने कमरे में झल बुनकर कोयला हो गई कि बड़ी बहू को कोई अहमियत नहीं और छोटी को पास लेकर बैठे हैं। इसलिए जैसे ही मेहमान गए तो किरण भी उठकर घर से बाहर जाने लगी ताकि बाहर जाकर थोड़ा सा मूड फ्रेश करे, थोड़ी शॉपिंग करेगी, रेस्टोरेंट्स में जाएगी तो मूड अच्छा हो जाएगा। इसे क्या पता कि बाहर एक तूफान खड़ा है इसके इंतज़ार में। अचानक उसकी गाड़ी के आगे कामरान आकर खड़ा हो गया, अपना हेलमेट उतारा तो किरण की तो हैरानगी की इंतहा ही नहीं। फ्रेंड्स, आप किरण के कपड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि ये उसी दिन ही है जब ये फायज़ा का रिश्ता हुआ और साथ ही किरण घर से बाहर निकली उसने सेम ड्रेस पहना हुआ है। मीन्स के कामरान की एंट्री तो अब बहुत जल्द होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि कामरान का आसिम के साथ या फिर आसिम की फैमिली के साथ कोई रिश्ता है जिसके लिए वो वापस आया है ये शादी अटेंड करने। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन अगर इनका रिश्ता नहीं भी है फिर भी किरण से तो उसका बहुत ही पुराना रिश्ता है, किरण से तो हर हिसाब अब वो चुकता करने आ ही चुका। फाइनली अब हमें किरण का अंजाम देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।